Uh, practical in chemistry on homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Uh, I am taking sulfur, which is in powder palm. Now, I mix uh, some iron dust with sulfur to produce iron sulfate. ना आई मिक्स द टू कंपोनेंट्स, द आयरन डस्ट एंड सल्फ़र थ्रू अ मैग्नेट, आई एम पुलिंग द आयरन डस्ट आप देख सकते हैं आयरन डस्ट जो के सल्फ़र से डिटैच हो गया है आप क्लियरली देख सकते हैं आयरन डस्ट जो है वो सल्फर से डिटैच हो गया और सल्फर नीचे रह गया तो ये हाइड्रोजीनियस मिक्सचर की एग्जाम्पल है ये सल्फर है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये वो मिक्सचर है सल्फ़र और ये आयरन डस्ट है आ, टेस्ट ट्यूब होल्डर ना ये तो हो गया हेट्रोजीनियस मिक्सचर अब हम करने जा रहे हैं होमोजीनियस मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसमें टू कंपोनेंट्स एक दूसरे से फिजिकल तरीके से डिटैच नहीं हो सकते अगेन आई एम अटैकिंग सल्फर इन पाउडर पाम दिस इज सल्फर नाउ आई एम टेकिंग आयरन डस्ट इसको आयरन डस्ट को मैं सल्फर के साथ मिक्स करूँगा अगेन ये आयरन uh, सल्फाइड बनाएगा लेकिन अब इस बार हम करने जा रहे हैं होमोजीनियस मिक्सचर होमोमीन्स सेम तो अब ये एक केमिकल प्रोसेस है वो फिज़िकल प्रोसेस था ये केमिकल प्रोसेस है ये मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ मिक्स करने के बाद मैं इसको इस मिक्सचर को टेस्ट ट्यूब में फनल के ज़रिए से डाल दूँगा ये फनल के ज़रिए आई एम प्रोटीन आयरन एंड सल्फर एंड द टिस्ट्यूब नाउ आई टर्न ऑन द स्प्रेट लेम ये आप देख सकते हैं टिस्ट्यूब से हीट निकल रहा है अपोरेट हो रहा है ये वो सल्फर और आयरन टिस्ट्यूब में जो आयरन था और सल्फर वो पूरी तरह मिक्स हो गया है ऑन हीटिंग इट मीन्स ऑन हीटिंग ये आप देख सकते हैं ये जो मिक्सचर बन गया ये होमोजीनीस मिक्सचर है और मैग्नेट के ज़रिए इसमें सल्फ़र आपको दिखाई नहीं दे रहा जो कि सल्फर और uh, आयरन जो है वो पूरी तरह से मिक्स हो गए हैं। इट मीन्स दिस इज़ अ होमोजीनस मिक्सचर विच कैन बी सेपरेट फ्रॉम ईच अदर so this is the example of homogeneous mixture so this is the difference between heterogeneous mixture and homogeneous mixture heterogeneous mixtures are those mixtures which are separate from each other by any physical method and while uh, homogeneous mixtures are those mixtures which cannot be separate by physical method it can be separate from a, by a chemical method